सिनेमाघर में दी कश्मीर फाइल देखने के बाद विहिप कार्यकर्ताओं के आंखों से निकले आंसू। सन 1990 में 5,00,000 कश्मीरियों को उनके देश से उनके घर से ही निर्मम तरह से बलात्कार, हत्या व जिंदा जलाकर निकाला गया। उस समय कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को ही नहीं निकाला गया बल्कि उनके साथ साथ संपूर्ण हिंदुओं को भी भगाया गया। लेकिन इस निंदनीय घटनाक्रम को उस समय इस तरह से प्रदर्शित किया गया कि वहां से सभी हिंदुओं को नहीं बल्कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा है, जो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। देश में सन 1990 में कश्मीर में इतना विभक्त और हृदय विदारक घटनाक्रम घटित हुआ, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य यह रहा कि उस समय विश्व हिंदू परिषद के अलावा किसी ने अपना आक्रोश व्यक्त नहीं किया। इस अवसर पर प्रांत मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने हिंदुस्तान के नौजवान और नागरिकों से आह्वान किया कि आज से 32 साल पहले उनके देश में उनके समाज के साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए उन्हें दी कश्मीर फाइल फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। आज इस फिल्म को विहिप के बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति के अनेक कार्यकर्ताओं ने देखा। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री गौरव प्रताप, नवदीप अग्रवाल, गौरव भटनागर, भवनीश सेंगर, अविनाश गुप्ता, रविंद्र छाबड़ा, योगेश त्यागी, अरविंद शर्मा, नरेंद्र कश्यप, अमन वाल्मीकि, शिल्पी सैनी, मीनाक्षी, भावना, दीक्षा, अंजलि, नीलम, कपिल पाल, सुजीत सैनी, नितिन कुमार, शुभम श्रीमाली, मनीष कुमार, शुभम देशभक्त, गुड्डू सैनी, ऋतिक ग्वाला आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो द कश्मीर मूवी लगी हुई है, हम उसे देखने के लिए वेब सिनेमा में आए हैं और हमारा पूरा संगठन विश्व हिंदू परिषद आया है, जो इस फिल्म को अपने थिएटर में नहीं लगा रहे हैं। बहिष्कार करें उस थिएटर का, उस थिएटर में पिक्चर देखनी बंद करें, क्योंकि ये पिक्चर हमारे हिंदुत्व के लिए है, कोई हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए नहीं है। धन्यवाद। क्या संदेश है, क्या देना चाह रहे हैं? हिंदुत्व को लेके कोई भी चीज अगर आगे बढ़ती है उसे रोक दिया जाता है। हम सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हिंदुत्व का नहीं वो किसी का नहीं, देश में वही रहेगा जो हिंदुत्व को मानेगा। कपिल शर्मा शो बिल्कुल बैन होना चाहिए, कोई लोग उसे देखना पसंद ही ना करें वो ज़्यादा अच्छा। हम लोग आज कश्मीर फाइल जो पिक्चर रिलीज हुई है ना, उसको देखने के लिए आए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, मुरादाबाद विभाग के विभाग मंत्री, यहाँ पे बजरंग दल के हमारे प्रांत सह संयोजक गौरव भटनागर जी, कोषाध्यक्ष त्यागी जी, सब लोग यहाँ पे, पूरी टीम आज जो है विश्व हिंदू परिषद की इस पिक्चर को देखने आई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा हेतु है। हेतु ये है कि हमारे पास जागरण का एक ये बहुत अच्छी पिक्चर आई है, जो कि हमारे अतीत को, हमारे साथ किए गए व्यवहार को वो दिखा रही है। जैसा कि 1990 से लेकर और 2000 तक कश्मीर को खाली करा दिया, उन लोगों ने खाली कराया जो कल तक हमारे साथ खाते थे, हमारे साथ रहते थे। इस एक ऐसा केस मेरे को याद है, एक अध्यापिका बहन जी थी, उसको उसी के विद्यार्थी ने उसके साथ रेप करा। क्या विश्वास रह गया, किस पे विश्वास करो? इस पिक्चर के माध्यम से एक ऐसे किसी ने ऐसा एक स्टेप लिया है। मैं अक्सर कहता हूँ, हिंदू हिंदू जगाने निकला हूँ, हिंदू जगा कर जाऊँगा, कि हमें अपने साथ किए गए दुर्व्यवहारों की जानकारी इसके माध्यम से हमें मिल रही है। वो मैं कह रहा हूँ, वो केवल इसलिए है, जो कपिल शर्मा शो है ना, वो अगर इस पिक्चर के प्रमोशन के लिए है, कोई भी अच्छा आदमी जो अपने इस समाज के सनातन धर्म की, हिंदू की बात करेगा, वो तो समझ लो बायकॉट हो जाएगा। कपिल शर्मा को, बदतमीज को अपने शो की चिंता है, इस देश की बहन बेटी की चिंता नहीं है। उसने सोचा कि मैं इसको प्रमोट करूँगा तो मेरा जो शो है वो एक विशेष संप्रदाय के व्यक्तियों के द्वारा देखा नहीं जाए।